हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में देखेंगे। हमने जो पिछला रिफ्लेक्शन का पार्ट किया है वो कंप्लीट होने के बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो अपना आता है वो आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक्चुअल के अंदर होता क्या है और ऐसे कौन कौन से फिजिकल इंसिडेंट होते हैं जिनके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज होता है या फिर उसी की वजह से वो फिजिकल इंसिडेंट होते हैं। जैसे अगर हम बात करें मिराज की या फिर लूमिंग की या ऑप्टिकल, जो अपने पास ऑप्टिकल फाइबर होता है जिससे लाइट रे बिना किसी एनर्जी लॉस के एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र हो जाती हैं, तो ये सारे जो होते हैं या फिर पोरोरो प्रिज्म जो होता है, इन सब ये सब जो फिजिकल अपने पास एलिमेंट्स हैं या फिर मैं बोल दूँ इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेसिस से होते हैं। तो अगर हम बात करें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी शॉर्ट में अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो मैं TIR लिख देता हूँ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ये जो रिफ्लेक्शन है ये उस रिफ्लेक्शन का पार्ट नहीं है जो हम पढ़ते आए थे, शुरुआत के अंदर हमने पढ़ा था। ये जो रिफ्लेक्शन है ये रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन की कुछ केस है, ठीक है, एक स्पेशल केस है जिसके अंदर जो लाइट रे है उसका रिफ्रैक्शन ना होकर रिफ्लेक्शन हो जाता है, ठीक है। कैसे, जैसे अगर हम इसे एक एग्जांपल से समझें तो देखिए, जैसे अपने पास यहाँ पर ये एक कोई बाउंड्री लाइन है। बाउंड्री लाइन का मीनिंग ऐसी लाइन जो दो मीडियम को डिवाइड कर रही है, ठीक है। अपने पास कोई दो मीडियम है जिनको ये बाउंड्री लाइन डिवाइड कर रही है, तो ये अपने पास है बाउंड्री लाइन, ठीक है। अब इसके नीचे की ओर जो मीडियम है वो है अपने पास डेंसर मीडियम। अब डेंसर मीडियम जो है वो किसके रिलेटिव में होता है, रेयरर मीडियम के, यानी कोई मीडियम अगर हम दो मीडियम है जो हैं उनका कंपैरिजन करके ही कह सकते हैं कि कौन सा मीडियम रेयरर है और कौन सा मीडियम है डेंसर है। तो दोनों के कंपैरिजन से हमने बोल दिया कि ये रेयरर मीडियम है और ये क्या है अपने पास, डेंसर है मीडियम है। अब डेंसर मीडियम के अंदर कोई सोर्स है लाइट का, ठीक है, चाहे वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है या फिर कोई सोर्स हो सकता है जिससे लाइट रे का प्रोपेगेशन है हो रहा है। यहाँ से कोई लाइट रे जो है वो निकल रही है और वो रेयरर मीडियम की तरफ जा रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ से एक लाइट रे जो है डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम की तरफ मूव कर रही है। तो हम बोलेंगे मीडियम की, दो मीडियम की बाउंड्री लाइन है और दो मीडियम की बाउंड्री लाइन पर जब कोई भी अपने पास लाइट रे इंसिडेंट होती है तो हम स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग रिफ्रैक्टेड रे को शो करते हैं। तो यहाँ पर अगर स्नेल लॉ की बात करें तो हम बोलेंगे कि लाइट रे जो है वो डेंसर टू रेयरर मीडियम में मूव कर रही है, तो कोई भी लाइट रे जब डेंसर टू रेयरर मीडियम के अंदर मूव करती है तो वो किस टाइप से मोशन करती है आगे की ओर, तो हम बोलेंगे कि वो लाइट रे जो है वो नॉर्मल के साथ इंसिडेंस एंगल से ज़्यादा एंगल बनाते हुए मूव करेगी, यानी रिफ्रैक्ट होगी कुछ इस तरीके से। तो ये वाला जो एंगल है यहाँ पर रिफ्रैक्शन एंगल, इसकी वैल्यू आई से क्या होगी, ग्रेटर होगी। मैं बोलूँगा कि आर जो रिफ्रैक्शन एंगल है इसकी वैल्यू इंसिडेंस एंगल से क्या होती है, ग्रेटर होती है जब लाइट रे डेंसर टू रेयरर मूव करती है। अब देखो हम लोग इसी लाइट रे के अंदर अगर इंसिडेंस एंगल को और ज़्यादा इंक्रीज कर दें,
की बार जो है वो मैं क्या कर रहा हूँ, इंसिडेंस एंगल को थोड़ा और इंक्रीज कर रहा हूँ। इंसिडेंस एंगल को हमने थोड़ा और इंक्रीज कर दिया, अब लाइट रे इस तरीके से आ रही हैं, और अगर मैं नॉर्मल बनाऊँ यहाँ पर तो नॉर्मल जो है वो है आपका इस तरीके से, और यहाँ पर ये वाला जो इंसिडेंस एंगल है वो पहले के कंपैरिजन में क्या है, ज़्यादा है। तो पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा इंसिडेंस एंगल हो गया, तो जब ये लाइट रे रिफ्रैक्ट होगी यहाँ से, जब दूसरे मीडियम के अंदर जाएगी, तो इसका जो रिफ्रैक्शन एंगल है वो रिफ्रैक्शन एंगल और भी ज़्यादा हो जाएगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी स्मॉल आर की जो वैल्यू है वो आई से ग्रेटर होगी हमेशा, तो मैं कहूँगा आर जो है वो ग्रेटर देन आई होगा जब मैं इंक्रीज कर रहा हूं। तो भी अब जितना इसको इंक्रीज कर रहा हूं उतना ही ये वाला भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और हमें पता है डेंसर टू रेयर मूव करेगी तो मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी रिफ्रैक्टेड लाइट रे। अब देखो अगर मैं इस इंसिडेंस एंगल को और ज्यादा इंक्रीज कर देता हूं थोड़ा, तो और ज्यादा इंक्रीज करूं तो हमने बोल दिया कि जो अपने पास लाइट रे है वो लाइट रे है, इंसिडेंस लाइट रे जो है वो इस तरीके से है। यहाँ पर अगर मैं नॉर्मल बना दूँ, नॉर्मल हमने ड्रॉ कर दिया, ये वाला जो एंगल है वो है अपने पास आई, ठीक है। अब अगर मैं रिफ्रैक्टेड रे की बात करूं तो वो रिफ्रैक्टेड रे जो है, देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करता जा रहा हूं, ये रिफ्रैक्टेड रे जो है बाउंड्री लाइन के पास आती जा रही है। अब पास आती जा रही है यहाँ पर अगर हम बात करें तो मैं बोल दूँ कि रिफ्रैक्टेड रे जो है वो रिफ्रैक्टेड रे यहाँ पर इस बाउंड्री लाइन के क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, क्योंकि इंसिडेंस एंगल को मैं बार बार क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज करता जा रहा हूँ। तो ये जो यहाँ पर रिफ्रैक्टेड पैरेलल हो जाती है क्योंकि इंसिडेंस एंगल को मैं बार बार क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज करता जा रहा हूँ। तो ये जो यहाँ पर रिफ्रैक्टेड एंगल बन रहा है, ये रिफ्रैक्टेड एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इस एंगल से ज़्यादा इंसिडेंस एंगल ले लूं, तो इस एंगल से थोड़ा सा ज़्यादा अगर इंसिडेंस एंगल हम लोग ले लेते हैं तो मैं बोलूँगा कि लाइट रे जो है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ रही है, और जो इंसिडेंस एंगल है वो इंसिडेंस एंगल हमने और भी ज़्यादा इंक्रीज कर दिया। तो और भी ज़्यादा इंक्रीज कर दिया अगर हमने इंसिडेंस एंगल को, तो रिफ्रैक्शन एंगल जो है वो भी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अब और ज़्यादा इंक्रीज होगा तो 90 डिग्री तो यहाँ तक हो गया, अब और ज़्यादा इंसिडेंस एंगल को इंक्रीज कर रहा हूँ तो रिफ्रैक्टेड एंगल जो है वो भी 90 डिग्री से ग्रेटर होगा, और 90 डिग्री से ग्रेटर होगा तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है वो किधर मूव करेगी, ये रिफ्रैक्टेड रे इस तरीके से मूव करेगी इसी मीडियम के अंदर। तो यहाँ पर देखो ये अपने पास हो गया रिफ्रैक्टेड एंगल R, और मैं क्या बोल सकता हूँ, R की वैल्यू जो है वो I से क्या होगी, ग्रेटर होगी। यहाँ पर भी यही चीज़ है कि R की वैल्यू जो है वो I से क्या है, ग्रेटर है। अब देखो इन सभी केसेज के अंदर कि इसके अंदर जब रिफ्रैक्शन हुआ तो लाइट रे सेकेंड मीडियम के अंदर चली गई, रिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया आपके पास, रिफ्रैक्शन हो गया क्योंकि लाइट रे जो है वो दूसरे मीडियम के अंदर है चली गई। अगर इसके अंदर बात करें तो पहले मीडियम से आई थी, दूसरे मीडियम के अंदर चली गई, तो यहाँ पर भी क्या हो गया अपने पास, रिफ्रैक्शन हो गया। अगर थर्ड की हम लोग बात करें, हम इंसिडेंस एंगल को और ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं तो रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री हो गया, तो यहाँ पर भी क्या हो गया आपके पास, रिफ्रैक्शन हो गया क्योंकि लाइट रे अभी भी सेकेंड मीडियम में जा रही है, चाहे वो उसकी बाउंड्री लाइन के पैरेलल ही जा रही हो। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, मैं इंसिडेंस एंगल को और इंक्रीज कर रहा हूँ तो रिफ्रैक्टेड रे जो है वो सेकेंड मीडियम में ना जाकर फर्स्ट मीडियम के अंदर, जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम के अंदर वापस जा रही है। तो जिस मीडियम से आ रही है उसी मीडियम के अंदर अगर लाइट रे वापस से चली जाती है तो उस इंसिडेंट को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलेंगे या रिफ्लेक्शन बोलेंगे, तो हम बोलेंगे ये जो इंसिडेंट है वो रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन को शो कर रहा है कि जिस मीडियम से लाइट रे आ रही है अगर उसी मीडियम के अंदर लाइट रे वापस चली जाए तो वहां पर लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। तो ये वाला जो प्रोसेस है इसको बोला जाता है टोटल इंटरनल
रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि लाइट रे जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम के अंदर वापस चली गई है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की अगर हमें डेफिनेशन देनी हो तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या देंगे हम लोग कि इंसिडेंस एंगल की वैल्यू हम तब तक इंक्रीज करते जाते हैं जब तक कि रिफ्रैक्टेड रे वापस उसी मीडियम के अंदर ना आ जाए। और अगर इंसिडेंस रे और रिफ्रैक्टेड रे दोनों एक ही मीडियम के अंदर है तो वहां पर होता है या उसको बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की अगर हम यहां पर इसको थोड़ा सा और डिटेल से देखें तो देखो ये वाला जो यहां पर अपने पास है, ये वाला जो हमने डायग्राम बनाया है, ये मैं बोल सकता हूं कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। ये जो अपने पास कंडीशन है वो है इक्विलिब्रियम की। अब इसे मैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्यों बोल रहा हूँ, किसके रिलेटेड में बोल रहा हूँ, तो देखो इससे जब इधर चलते हैं यानी इंसिडेंस एंगल जब इससे कम हो रहा है तो रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, और इंसिडेंस एंगल जब इससे इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। यानी आई की वैल्यू मैं और भी ज़्यादा इंक्रीज कर देता हूँ तो ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा और लाइट रे इधर आ जाएगी, ठीक है। अब ये वाला जो नॉर्मल है इसके क्या आ जाएगी, वो पास आती जाएगी। तो अगर आई की वैल्यू से, इस आई की वैल्यू से ग्रेटर वैल्यू हो इंसिडेंस एंगल की तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, और इस आई की वैल्यू से कम हो इंसिडेंस एंगल की वैल्यू तो वहां पर क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन है हो रहा है। तो यहां पर ये जो आई एंगल है इस आई एंगल को डिनोट किया जाता है आई सी या फिर कैपिटल सी से, और इसको बोला क्या जाता है, इसको बोला जाता है क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल। अब अगर क्रिटिकल एंगल की हमें डेफिनेशन देनी हो तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है कि कोई भी लाइट ऐसा इंसिडेंस एंगल जिस पर लाइट रे बाउंड्री लाइन पर आती है तो रिफ्रैक्ट होकर जब वो बाउंड्री लाइन के पैरेलल हो जाती है, ठीक है, तो जो इंसिडेंस एंगल है उसे क्या बोला जाता है, क्रिटिकल एंगल बोला जाता है। तो अगर मैं क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन देखना चाहूँ यहाँ से तो क्रिटिकल एंगल की जो डेफिनेशन है वो क्या बन जाएगी, द वैल्यू ऑफ इंसिडेंस एंगल, द वैल्यू ऑफ इंसिडेंस एंगल फॉर विच रिफ्रैक्टेड रे बिकम्स पैरेलल टू बाउंड्री लाइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स becomes 90 degree, then this incidence angle known as critical angle, यानी इंसिडेंस एंगल की वो वैल्यू जिसके लिए रिफ्रैक्टेड रे बाउंड्री लाइन के पैरेलल हो जाती है या फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है, वो इंसिडेंस एंगल क्या बोला जाता है, क्रिटिकल एंगल बोला जाता है। अलग अलग पेयर्स के लिए, मीडियम का अलग अलग पेयर की हो तो अलग अलग पेयर्स के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू भी अलग अलग होती है। अब यहाँ से टोटल
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करें तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो डेफिनेशन बहुत ही ईजी सी हो गई कि जिस मीडियम से आ रही है उसी मीडियम के अंदर अगर वापस हो जाए वो रिफ्रैक्ट होकर वापस उसी मीडियम में चली जाए तो उसे क्या बोलेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंटरनल क्यों बोला, क्योंकि ये वाली जो अपने पास ये वाला जो एरिया है वो डेंसर मीडियम का एरिया है और डेंसर मीडियम से ही आ रही थी, डेंसर मीडियम में ही वापस चली गई, यानी वो उसका इंटरनल पार्ट है और इसी वजह से इसको क्या बोला गया है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोला गया है। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की अपने पास दो कंडीशन भी होती हैं कि उन कंडीशन को अगर फॉलो कर रही है लाइट रे तभी उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो वो जो कंडीशंस हैं वो क्या क्या होती हैं उनकी अगर हम बात करें तो कंडीशन को देखने के लिए हमें डायग्राम को वापस से देखना पड़ेगा, डायग्राम के अंदर ही अपना आंसर है। दो कंडीशन होती हैं, कंडीशन फर्स्ट की बात करूं, देखो क्या क्या है अपने पास कि लाइट रे मूव कर रही है डेंसर टू रेयर, ठीक है, तो क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर यही लाइट रे रेयरर टू डेंसर मूव करती तो क्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या, रेयरर टू डेंसर मूव करती है तो लाइट रे जो है वो नॉर्मल के पास में आती है और नॉर्मल के पास आती जाती तो ये लाइट रे जो आ रही है क्या बाउंड्री लाइन के पैरेलल हो पाती क्या कहीं पर भी, तो ये जो लाइट रे अपने पास यहाँ पर आएगी रेयरर टू डेंसर रिफ्रैक्ट होने पर तो ये लाइट रे इधर ना जाकर इधर आती है, अगर ये लाइट रे बाउंड्री लाइन की तरफ जाती तो वहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कुछ चांसेस थे। लेकिन क्या होता है स्नेल्स ले के लो के अकॉर्डिंग कि जब कोई लाइट रे रेयरर टू डेंसर मूव करती है तो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल के पास आती है, तो हम बोलेंगे कि एक इकलौती कंडीशन जो है रेयरर टू डेंसर या डेंसर टू रेयरर कौन सी है, तो हम बोलेंगे लाइट रे जो है वो हमेशा मूव करनी चाहिए डेंसर टू रेयरर, तभी वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को शो करेगी। तो इसके बारे में फर्स्ट कंडीशन जो है वो क्या लिखेंगे, लाइट रे मस्ट बी ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, डेंसर टू रेयरर मीडियम, यानी लाइट रे जो है वो हमेशा डेंसर टू रेयरर मीडियम में मूव करेगी तभी वहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। सेकंड कंडीशन की अगर हम बात करें तो सेकंड कंडीशन की यहाँ पर बात करते हैं क्या हो जाएगी, देखो कि अपन देखते हैं आई की वैल्यू रिफ्रैक्शन हो रहा है, आई की वैल्यू रिफ्रैक्शन हो रहा है, आई की वैल्यू जब क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाती है तब भी रिफ्रैक्शन ही हो रहा है, लेकिन आई की वैल्यू जब इस क्रिटिकल एंगल से थोड़ी भी ग्रेटर हो जाती है तो क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि जो अपने पास इंसिडेंस एंगल है इस इंसिडेंस एंगल की वैल्यू अगर क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, और अगर इंसिडेंस एंगल की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से लेस है तो वहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो अगर हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखना है तो कंडीशन क्या बन जाएगी, इंसिडेंस एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, यानी जो इंसिडेंस एंगल है इस इंसिडेंस एंगल की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से हमेशा क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए। तो ये दो कंडीशन को अगर फॉलो कर रही है कोई लाइट रे तो वहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो नोट डाउन कीजिए आप लोग, ये आगे इसके देखते हैं।
ये तो है इसका थ्योरिटिकल पार्ट कि किस तरीके से क्या डेफिनेशन होती है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे होगा। अब अगर इसके थोड़े से न्यूमेरिकल पार्ट की हम लोग बात करें कि जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है इसका न्यूमेरिकल पार्ट हम क्या यूज कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर अपने पास एक कोई बाउंड्री लाइन। अब अगर मैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन को लेके चलूँ तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन के लिए हमने क्या कहा कि लाइट रे जो है वो इस तरीके से यहाँ पर इंसिडेंस हो रही है। अगर मैं नॉर्मल यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ पर इंसिडेंस हो रही है, अगर मैं नॉर्मल यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ सरफेस पर या बाउंड्री लाइन पर, हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये मीडियम जो है इधर वाला, ये अपने पास कौन सा मीडियम है, ये वाला मीडियम है डेंसर, क्योंकि डेंसर टू रेयरर मूव करेगी तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, हो सकता है। तो डेंसर और रेयरर, अब लाइट रे अगर यहाँ से आ रही है, ये वाला एंगल जो है वो अपने पास हो आई सी के इक्वल या सी के इक्वल, ठीक है, क्रिटिकल एंगल हो, तो ये लाइट रे जो है वो यहाँ से रिफ्रैक्ट होकर बाउंड्री लाइन के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, बाउंड्री लाइन के क्या हो जाएगी, वो पैरेलल हो जाएगी। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी अपने पास, 90 डिग्री बन जाएगी। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई करना चाहता हूँ यहाँ पर, तो स्नेल्स लॉ जब मैं अप्लाई करता हूँ, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, तो स्नेल लॉ जो है वो क्या होता है, स्नेल्स लॉ होता है कि जो अपने पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो भी कौन सा, रिलेटिव, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू होता है किस मीडियम से आ रही है लाइट रे, इस मीडियम से आ रही है डेंसर से, ठीक है। तो डेंसर के अंदर इंसिडेंस एंगल कितना, आई सी, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंसिडेंस एंगल का साइन अपोन में रिफ्रैक्टेड एंगल का साइन, यही होता है स्नेल्स लॉ। अब अगर रिलेटिव की बात करें तो म्यू रिलेटिव क्या होगा, तो म्यू रिलेटिव जो है इसको हम लोग अलग से डिफाइन कर लेते हैं कि म्यू रिलेटिव का मीनिंग क्या है। म्यू रिलेटिव का मीनिंग है कि एक मीडियम के रेस्पेक्ट में दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो कौन से मीडियम के रिलेटिव में। अब मैं अगर यहाँ पर म्यू रिलेटिव की बात करूँगा तो लाइट रे जो है वो डेंसर टू रेयरर मूव कर रही है, लाइट रे कौन से मीडियम से आ रही है, डेंसर से, और कौन से मीडियम में जा रही है, रेयरर मीडियम में जा रही है। तो म्यू रिलेटिव जो है, या फिर मैं यहाँ पर इसको एज्यूम करूँ कि लाइट रे पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो मैं इसी म्यू रिलेटिव को जो है वो क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 1μ2 कि पहले मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर लाइट रे जा रही है। अब यहाँ पर मीडियम को हमने क्या नाम दिया है, डेंसर टू रेयरर, तो डेंसर और रेयरर के रेस्पेक्ट में मैं इसे लिखना चाहूँ तो 1 की जगह तो क्या लिखूँगा, मैं बोलूँगा कि ये तो है अपने पास डेंसर मीडियम 1, तो और म्यू और 2 वाला मीडियम कौन सा है, रेयरर, तो 1μ2 को जो है वो मैं क्या लिख सकता हूँ, डेंसर म्यू रेयरर। अब 1μ2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, हमने पहले भी लिखा है 1μ2 क्या होता है, μ2 अपॉन में μ1, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ इसको मैं लिख सकता हूँ μ2 यानी म्यू रेयरर अपॉन में म्यू डेंसर, म्यू रेयरर अपॉन में म्यू डेंसर। तो चलिए ये तो हो गई म्यू रिलेटिव की बात, ये हमने सबने पढ़ रखा है। अब अगर हम यहाँ से वापस से अपने स्नेल्स लॉ पर आ जाए तो म्यू रिलेटिव है अपने पास, तो म्यू रिलेटिव जो है इसको हम लोग वो लिख सकते हैं कि म्यू रेयरर अपॉन में म्यू डेंसर इज इक्वल टू साइन
अब इंसिडेंस एंगल कितना, आई सी या फिर सी जिससे आप लोग क्रिटिकल एंगल को डिनोट कर रहे हो, अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन आर। आर की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री रख दिया, साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, तो क्या बन गया अपने पास, म्यू आर अपॉन में म्यू डी इज इक्वल टू साइन ए आई सी, ये बन गया अपने पास। साइन 90 की वैल्यू हमने रख दी 1। अब यहाँ से देखो, अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी है आई सी की, तो आई सी कितना हो जाएगा, आई सी क्रिटिकल एंगल हो जाएगा साइन इनवर्स म्यू आर अपॉन में म्यू डी हो गया, ये अपने पास हो गया क्रिटिकल एंगल। अगर हम बात करें यहाँ पर कि अगर एक मीडियम जो है रेयरर, वो अपने पास एयर हो या वैक्यूम हो, जैसे रेयरर मीडियम जो है इसके बारे में वो बोल रहा है कि या तो एयर है या फिर क्या है, वैक्यूम है, तो एयर और वैक्यूम के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसकी वैल्यू हमें पता होती है कितनी, 1। और डेंसर मीडियम जो है इसके बारे में वो बोल रहा है कि कोई का उसकी ग्लास की स्लेब है अपने पास, तो ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, म्यू है। तो देखो क्या कंडीशन बन जाएगी, इफ रेयरर मीडियम इज, इफ रेयरर मीडियम इज एयर और वैक्यूम, एयर और वैक्यूम हो, अगर एक मीडियम जो रेयरर मीडियम है वो एयर और वैक्यूम हो, तो मैं यहाँ से देखो क्या बोलूँगा, म्यू आर अपॉन में म्यू डी इज इक्वल टू साइन ए आई सी, यही बन जाएगा। म्यू आर यानी रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, 1, अगर रेयरर मीडियम एयर या वैक्यूम है तो ये बन गया अपने पास 1 अपॉन में म्यू डी। अब डी यानी डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है अपने पास, म्यू इज इक्वल टू साइन ए आई सी हो गया। इससे मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर इसे उल्टा कर देते हैं तो म्यू इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन साइन ए आई सी। तो अगर उस ग्लास की स्लेब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे पता लगाना है, तो ग्लास की स्लेब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 अपॉन साइन इनटू साइन आई सी या साइन क्रिटिकल एंगल है हो जाएगा। यहाँ से हम ये भी देख सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्रिटिकल एंगल के इन्वर्सली प्रपोर्शनल होता है, यानी दोनों के अंदर जो बिहेवियर है वो अपोजिट होता है, एक में इंक्रीमेंट होगा तो दूसरे में क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा, ये भी बात हमें यहाँ से पता चली है। तो इसके अंदर आप लोग ये वाला फॉर्मूला जो है वो और ये वाली कंडीशन जो है वो आप लोग मेमोराइज करके रखोगे। चलिए अब हम इसकी डिपेंडेंसीज की बात करते हैं कि ये जो अपने पास क्रिटिकल एंगल है, ये क्रिटिकल एंगल किस किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, नोट डाउन कीजिए। चलिए अगर डिपेंडेंसीज की बात करें हम लोग, तो आई सी का जो फॉर्मूला है इसके अंदर ही अपने को पता चल जाता है कि ये किस किस पर डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली। डिपेंडेंसीज ऑफ क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल जो है वो किस किस पर डिपेंड कर रहा है। सबसे पहली चीज हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, आईसी का फॉर्मूला जो है वो अपने पास क्या है,
आई सी इज इक्वल टू मैं लिखना चाहूँ या फिर म्यू इज इक्वल टू लिख दूँ तो म्यू इज इक्वल टू है 1/ में साइन है आई सी। अब यहाँ से मैं आई सी की वैल्यू को कैलकुलेट करूँ या म्यू की वैल्यू को कैलकुलेट करूँ, लेकिन अपने को एक आइडिया लग जाएगा कि किस पर ये डिपेंड कर रहा है। तो आई सी की बात करें तो आई सी की वैल्यू निकालूंगा तो केवल क्या आएगा अपने पास, म्यू ही आएगा। तो म्यू जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस पर ये आई सी क्रिटिकल एंगल डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। तो जो सबसे पहली डिपेंडेंसीज है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर किस तरीके से ये डिपेंड करता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो जिन जिन चीज़ों पर डिपेंड करेगा उस पर भी आईसी डिपेंड करेगा। कैसे कि मान लो टेम्परेचर की मैं बात करूं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज हो जाएगा तो आईसी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट रिलेशन होता है, अभी अभी हमने पढ़ा था। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर हम बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करती है वैल्यू क्रिटिकल एंगल की, ठीक है। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है तो क्रिटिकल एंगल चेंज हो जाएगा। अब और किस पर ये डिपेंड कर सकता है, तो हम बात करते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिन जिन चीज़ों पर डिपेंड करता है उन चीज़ों पर ही आईसी भी डिपेंड करेगा, चाहे वो इनडायरेक्टली ही डिपेंड करे। तो सबसे पहली चीज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पर डिपेंड करता है, तो हम बात करते हैं वेवलेंथ की, कि वेवलेंथ पर डिपेंड करता है ये, या फिर मैं बोल सकता हूँ वेवलेंथ को ही कलर, कि कलर ऑफ लाइट कैसी है उस पर डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कलर ऑफ लाइट का मीनिंग क्या हो गया, कि अपने पास जो विजिबल लाइट होती है उसके अलग अलग कलर होते हैं जिसे हम बोलते हैं विबजोर, ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इन सब की वेवलेंथ भी अलग अलग होती है और उसकी वजह से कलर भी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेवलेंथ या कलर पर डिपेंड करता है। जैसे अगर हम वेवलेंथ की बात करें रेड के लिए, तो लैम्डा की वैल्यू जो है, वेवलेंथ की वैल्यू जो है रेड कलर की लाइट के लिए ग्रेटर देन होती है किससे, वॉयलेट से। अब वेवलेंथ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस तरीके से डिपेंड करता है, तो वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो एक दूसरे के होते हैं रेसिप्रोकल, सॉरी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं तो जिसके लिए लैम्डा की वैल्यू ग्रेटर होगी उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, लेस होगा। तो हम बोलेंगे कि जो म्यू की वैल्यू है वो म्यू की वैल्यू आर के लिए म्यू की वैल्यू वॉयलेट से क्या होगी, कम होगी। अब म्यू की वैल्यू पर क्रिटिकल एंगल कैसे डिपेंड करता है, तो म्यू जो है वो आईसी के क्या होता है, क्रिटिकल एंगल के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो म्यू की वैल्यू अगर आर के लिए ज़्यादा है, रेड के लिए ज़्यादा है, तो हम बोलेंगे कि आईसी की वैल्यू रेड के लिए ज़्यादा होगी और आईसी की वैल्यू वॉयलेट के लिए रेड से क्या होगी, कम होगी। तो जो वेवलेंथ है या कलर ऑफ लाइट है इस पर डिपेंड करता है। किस तरीके से डिपेंड करेगा, कि म्यू जो है वो लैम्डा के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, म्यू आईसी के भी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इन दोनों को मिलाकर मैं एक बात ये भी लिख सकता हूँ कि अगर मुझे लैम्डा और आईसी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन चाहिए तो लैम्डा जो है वो म्यू के भी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और आईसी के भी क्या है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब लैम्डा और आईसी दोनों एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो लैम्डा अगर किसी की कलर के लिए ज़्यादा है तो उसके लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, टेम्परेचर पर। अब टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर हमने इंक्रीज कर दिया, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि टेम्परेचर की वैल्यू ग्रेटर होने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू डिक्रीज होती है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके साथ, आईसी के साथ किस तरीके से रिलेशनशिप में है,
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब आई सी यानी क्रिटिकल एंगल जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसका मीनिंग मैं टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन भी बोल सकता हूँ कि टेम्परेचर और जो आई सी है क्रिटिकल एंगल वो एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो आई सी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसका वाइस वर्सा कैसे, टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया तो म्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और जो आई सी है म्यू जाएगा। इसका वाइस वर्सा कैसे, टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया तो म्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और जो आई सी है म्यू के इंक्रीज होने से आई सी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहां से भी मैं बोल सकता हूं कि टेम्परेचर डिक्रीज होने पर आई सी की वैल्यू जो है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अब दूसरा जो यहां पर अपने पास मेन पॉइंट है वो किस पर डिपेंड करता है क्रिटिकल एंगल की वैल्यू, तो वो हमने शुरुआत के अंदर भी बात की थी कि जो मीडियम है आपके पास उन मीडियम का पेयर कौन सा है, इस पर भी क्रिटिकल एंगल की वैल्यू डिपेंड करती है कि जो आप पेयर ले रहे हो रेयरर और डेंसर मीडियम का, उस पेयर के अंदर रेयरर मीडियम कौन सा है और डेंसर मीडियम कौन सा है, इस पर भी क्रिटिकल एंगल की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है। जैसे अगर मैं फर्स्ट अपने पास लूँ, अपने पास पेयर हो ग्लास एयर पेयर, यानी ग्लास जो है वो डेंसर मीडियम की तरह बिहेव करे, एयर जो है वो रेयरर मीडियम की तरह बिहेव करे। सेकेंड अगर अपने पास नॉर्मली पेयर जो है वो होता है वाटर एयर, यानी डेंसर मीडियम तो हो वाटर और रेयरर मीडियम हो एयर। तो अगर वाटर एयर पेयर है तो उसके लिए आईसी की वैल्यू। थर्ड अपने पास होता है डायमंड, डायमंड एयर पेयर। तो ये तीन पेयर जो है वो अपने पास मेनली होते हैं। अगर हम यहाँ पर इनकी बात करें अलग अलग मीडियम की, तो जो ग्लास एयर पेयर है इसके लिए जो वैल्यू होती है अपने पास आईसी की या क्रिटिकल एंगल की, वो वैल्यू होती है 42 डिग्री। जो अपने पास वाटर एयर पेयर है इसके लिए वैल्यू जो है इससे 7 डिग्री ग्रेटर होती है, यानी 49 डिग्री। और डायमंड एयर पेयर के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू सबसे लो होती है कितनी, 24 डिग्री। ये तीनों जो वैल्यू हैं वो आपको डायरेक्ट भी ध्यान में रखनी होती हैं। लेकिन मेन चीज़ क्या है अपने पास, डिपेंडेंसी, किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर मैं डिपेंडेंसीज की यहाँ पर बात करूँ, तो फर्स्ट चीज़ जो है जिस पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है वो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड कर रहा है, वेवलेंथ पर डिपेंड करता है, लाइट के कलर पर डिपेंड करता है और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है और जो पेयर है मीडियम का इस पर भी डिपेंड करता है। तो किस किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेवलेंथ, कलर ऑफ लाइट, टेम्परेचर एंड पेयर ऑफ मीडियम पर क्रिटिकल एंगल की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है। नोट डाउन कीजिए। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से फिजिकल इंसिडेंट होते हैं जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर बेसिस से होते हैं, या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बेसिस पर ही वो एग्जाम्पल होते हैं या वो फिजिकल इंसिडेंट्स जो हैं वो पॉसिबल होते हैं। तो नोट कीजिए इसे। चलिए हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल्स ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एग्जाम्पल्स ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के अंदर दो एग्जाम्पल जो हैं वो एक दूसरे से काफ़ी रिलेटेड होते हैं, वो होते हैं ऑप्टिकल इल्यूशन के। अब ऑप्टिकल इल्यूशन जो है वो किस तरीके से होता है, तो फर्स्ट जो अपने पास एग्जांपल है इसे बोला जाता है
मिराज, इसे बोला जाता है मिराज, ठीक है। और सेकंड जो अपने पास एग्जांपल होता है इसे बोला जाता है लूमिंग। ये फिजिकल इंसिडेंट है मिराज और लूमिंग। मिराज जो है वो कहाँ पर होता है? मिराज जो है वो होता है ये वैक्चुअल के अंदर, तो होता क्या है? ऑप्टिकल इल्यूशन, यानी एक भ्रम होता है, ठीक है। कहाँ पर होता है ये? वेरी हॉट प्लेस, ऐसी जगह जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसी जगहों पर होता है मिराज, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें वेरी हॉट प्लेस का मीनिंग क्या हो गया अपने पास, कि जैसे अगर हम बात करें कई ऐसी जगह होती है जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे थार जो है अपने पास, जिसे हम थार का मरुस्थल बोलते हैं, वो थार जो है वहाँ पर क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा हॉट होता है, वो टेम्परेचर वहाँ का बहुत ही ज़्यादा होता है। तो जो मिराज है वो वहाँ पर होता है। लूमिंग की अगर बात करें तो ये भी एक तरीके का ऑप्टिकल इल्यूशन ही है, लेकिन ये होता कहाँ पर है? ये वहाँ पर होता है जहाँ का टेम्परेचर बहुत कम होता है, वेरी लो टेम्परेचर, जहाँ का टेम्परेचर बहुत कम होता है। जैसे अगर हम बात करें सी की, तो वहाँ पर ऑप्टिकल इल्यूशन जो होता है उसे बोला जाता है लूमिंग। और जो अपने पास थार है इसके अंदर जो ऑप्टिकल इल्यूशन होता है, या बहुत ज़्यादा गर्म जगहों पर जो ऑप्टिकल इल्यूशन होता है, इसे बोला जाता है मिराज। अब मिराज जो है वो होता क्या है? देखो कि जैसे अपने पास यहाँ पर ये है सरफेस, ये अपने पास क्या है? एक सरफेस। अब ये सरफेस जो है वो ये अपने पास क्या है? एक सरफेस। अब ये सरफेस जो है वो डेजर्ट के अंदर है। थार जो है वो क्या है अपने पास? एक डेजर्ट है। अब इस डेजर्ट के अंदर अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, तो टेम्परेचर सबसे ज़्यादा किसका होता है? जो सरफेस है उसकी, उसका ज़्यादा होगा। तो सरफेस का टेम्परेचर जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पर आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट जो है वो कैसा भी हो सकता है, मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो हम लोग ले लेते हैं कि कोई एक ट्री है, ठीक है। वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, और यहाँ पर है अपने पास एक ऑब्जर्वर जो इसको देख रहा है, ठीक है। तो देखो, अगर मैं यहाँ से बात करूँ कि इसको ये कैसे नज़र आएगा, तो इसको ये कैसे नज़र आएगा? जब यहाँ से लाइट रे यहाँ तक आएंगी। अब लाइट रे यहाँ पर आती है, लेकिन उसका टेम्परेचर पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? तो देखो क्या होगा अपने पास, कि टेम्परेचर की वैल्यू अगर हम इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज करते हैं, तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो गैस के मॉलिक्यूल्स उस एरिया से मूव आउट कर जाते हैं, यानी उस एरिया से वो चले जाएंगे। तो टेम्परेचर की वैल्यू अगर हमने इंक्रीज कर दी, तो जो डेंसिटी है उस मीडियम की, उस मीडियम की जो डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। और कोई भी मीडियम हो, अगर उसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, तो वो मीडियम जो है वो किसकी तरह बिहेव करने लग जाता है? रेयरर मीडियम की तरह बिहेव करने लग जाता है। और अगर किसी मीडियम का टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया, तो टेम्परेचर डिक्रीज करने पर उस मीडियम की जो डेंसिटी है वो डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, और डेंसिटी इंक्रीज होने पर वो मीडियम जो है वो डेंसर मीडियम की तरह बिहेव करने लग जाता है। इन दो बातों का आप लोगों को ध्यान में रखना है कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर दिया, तो डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, मीडियम किसकी तरह बिहेव करता है? रेयर मीडियम की तरह। और टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया, तो डेंसिटी
डिक्रीज हो जाती है। मीडियम किसकी तरह बिहेव करता है? डेंसर है, मीडियम की तरह। अब देखो यहाँ पर जो ये सरफेस है, सरफेस का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो सरफेस का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो मैं इसको इस तरीके से चार लाइनों से शो कर रहा हूँ कि टेम्परेचर की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा है। अब जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती जाती है सरफेस से, जैसे जैसे हम किसी हाइट पर जाते जाते हैं, तो हाइट पर जाने पर जो टेम्परेचर की वैल्यू है वो क्या होती जाएगी? वो टेम्परेचर की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती जाएगी सर, ठीक है। तो पहला जो सरफेस है, सरफेस के पास टेम्परेचर की वैल्यू ग्रेटर है, और इससे अगर मैं कुछ हाइट अबोव की बात करूं तो कुछ हाइट अबोव पर जाने पर जो टेम्परेचर की वैल्यू है वो नीचे वाली सरफेस के कंपेरिजन के अंदर थोड़ी कम होगी टेम्परेचर की वैल्यू। उससे अगर थोड़ा सा अबोव हम जाएं तो टेम्परेचर की वैल्यू जो है वो नीचे वाले सरफेस के कंपेरिजन के अंदर क्या होगी? थोड़ी और कम हो जाएगी। और उसके ऊपर वाली पर बात करें तो टेम्परेचर की वैल्यू और कम हो जाएगी। ऐसे ही अगर हम ऊपर जाते जाएं तो टेम्परेचर की वैल्यू जो है वो कंपेरिजन करें अगर नीचे वाली सरफेस से, तो वो वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती जाती है, यानी कम टेम्परेचर होता जाता है। अब देखो क्या होगा कि अगर हम दो किन्हीं भी लेयर की बात करें, दो सरफेस की बात करें, तो वो दोनों सरफेस का टेम्परेचर अगर अलग अलग है तो टेम्परेचर अलग अलग होने की वजह से उनमें से एक सरफेस तो रेयरर की तरह बिहेव करती है, दूसरी डेंसर की तरह बिहेव करती है। तो मान लो यहाँ से कोई लाइट रे जो है वो यहाँ पर आई इस वाली सरफेस पर, ठीक है। तो अब इस वाली बाउंड्री लाइन पर आ रही है तो इस वाली सरफेस की बात करते हैं। नीचे वाली जो सरफेस है इसका टेम्परेचर और ऊपर वाली जो सरफेस है इसका टेम्परेचर की कंपैरिजन करें तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा, इसका टेम्परेचर कम। इसका टेम्परेचर कम है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगी? डेंसर की तरह। नीचे वाले का टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगी? रेयरर की तरह। तो लाइट रे डेंसर टू रेयरर मीडियम मूव करती है, तो डेंसर टू रेयरर मूव करती है तो वो नॉर्मल से कुछ ज्यादा ही एंगल बनाएगी। नॉर्मल जो है यहां पर अगर मैं नॉर्मल बना दूं तो नॉर्मल के साथ ज़्यादा एंगल बनाते हुए वो मोशन करती है इस तरीके से, ठीक है। अब वो यहाँ पर आ गई इस वाली बाउंड्री लाइन पर, तो इस वाली बाउंड्री लाइन पर आ गई तो इन दोनों के टेम्परेचर की बात करते हैं, तो इसका टेम्परेचर और ज़्यादा, इसका टेम्परेचर इससे थोड़ा सा कम। तो ये वाला जो अपने पास जो एरिया है ये तो बिहेव करेगा रेयरर की तरह, और ये वाला जो एरिया है या ये वाली जो सरफेस है वो डेंसर की तरह बिहेव करेगी। तो जो लाइट रे है वो वापस किधर मूव, सॉरी, जिसका टेम्परेचर कम है वो डेंसर की तरह, जिसका टेम्परेचर ज्यादा है वो रेयरर की तरह। तो ये वाला जो पार्ट है ये डेंसर की तरह बिहेव करेगा और ये वाला पार्ट जो है वो रेयरर की तरह बिहेव करेगा। तो डेंसर टू रेयरर वापस से मूव कर रही है लाइट रे, तो वापस से मूव करती है तो वो लाइट रे जो है वो और ज्यादा इन यहाँ से जो एंगल है नॉर्मल से वो और ज़्यादा बनाते हुए सेकेंड मीडियम के अंदर चली जाएगी। अब इसी तरीके से ये एंगल जो है वो इंक्रीज होता हुआ जब क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर हो जाता है, जब ये वैल्यू जो है वो क्रिटिकल एंगल से क्या हो जाती है? ग्रेटर हो जाती है, यानी आई की वैल्यू जो है वो आई सी क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर हो जाएगी, तो लाइट रे जो है वो सेकेंड मीडियम के अंदर ना जाकर वो वापिस से कंप्लीटली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है उसका, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से वो इस ऑब्जर्वर तक पहुंचती है। अब इस ऑब्जर्वर को क्या लगेगा? इस ऑब्जर्वर को लगेगा कि ये जो अपने पास ऑब्जेक्ट है जिससे लाइट रे आ रही है वो इधर से ना आकर ये वाली लाइट रे उस तक पहुंच रही है, यानी इधर कहीं किसी पॉइंट से वो लाइट रे जो है वो आ रही है। तो इस ऑब्जर्वर को ये जो ऑब्जेक्ट है इधर कहीं किसी पॉइंट से वो लाइट रे जो है वो आ रही है, तो इस ऑब्जर्वर को ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से नजर आता है, यानी उल्टा बना हुआ इन्वर्ट होकर ये जो ऑब्जेक्ट है वो उसे दिखाई देता है। अब जब इसे इन्वर्ट होता हुआ ये ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, इसी को क्या बोला जाता है? मिराज बोला जाता है, जो एक तरीके का ऑप्टिकल
इल्यूशन होता है, जबकि रियलिटी के अंदर तो ये यहीं पर होता है, लेकिन उसे दिखाई क्या देता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो उल्टा हुआ हुआ है और सरफेस के नीचे है, तो इसको बोला जाता है मिराज। अगर लूमिंग की हम लोग बात करें तो लूमिंग की बात करें तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पर जैसे अपने पास सरफेस है, अब ये जो सरफेस है वो है वाटर की, ये जो सरफेस है वो किसकी है, वाटर की है, सी की है, और यहाँ पर कोई एक ऑब्जर्वर जो है वो है, जो यहाँ पर वाटर के अंदर एक सिप है, इस सिप को वो देख रहा है, इस सिप को वो क्या कर रहा है, देख रहा है। तो जब वो इस सिप को देख रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि ये सिप उसे कब दिखाई देती है, जब यहाँ से लाइट रे वहाँ तक पहुँचेगी। अब जब टेम्परेचर की वैल्यू बहुत कम होती है, ये तो टेम्परेचर की वैल्यू कम कब क्यों होगी, क्योंकि सी के नज़दीक, इस सी के सरफेस के या वाटर की सरफेस के नज़दीक जो एयर है उसका टेम्परेचर बाकी अदर एयर से क्या होता है, कम होगा। यानी अगर हम बात करें यहाँ पर जो इस सरफेस के बिल्कुल पास में है, वाटर सरफेस के बिल्कुल पास में जो लेयर है एयर की, उसका टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, सबसे कम होगा, उसका टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, सबसे कम होगा, सबसे कम, ठीक है। अब इससे ऊपर अगर हम हाइट इंक्रीज करें तो हमने हाइट इंक्रीज कर दी, हाइट इंक्रीज करने पर जो टेम्परेचर है उसकी वैल्यू अगर हम कंपेरिजन करें नीचे वाली लेयर के से, तो नीचे वाली लेयर से जब हम कंपेयर करते हैं तो इसका टेम्परेचर जो है ऊपर वाली लेयर का, वो नीचे वाली लेयर से क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है। उससे ऊपर वाली लेयर की हम लोग बात करें, थोड़ा ऊपर एक लेयर है, इसकी अगर हम बात करें तो इस लेयर का टेम्परेचर जो है वो इससे नीचे वाली लेयर के कंपेरिजन में थोड़ा क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। उससे ऊपर वाली लेयर की अगर हम बात करें तो इससे ऊपर वाली लेयर का जो टेम्परेचर है वो इससे नीचे वाली लेयर के टेम्परेचर से कुछ क्या होगा, ग्रेटर होगा। ऐसे ही टेम्परेचर जो है वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। अब अगर हम यहाँ से लाइट रे लेके चलें तो देखो ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे जो है वो आ रही है, तो ऑब्जेक्ट से जब लाइट रे यहाँ पर आएगी तो इन दोनों मीडियम का मैं कंपैरिजन करूं, इन दोनों लेयर का मैं कंपैरिजन करूं, तो इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर, तो नीचे वाली का टेम्परेचर कम है, ऊपर वाली का टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है। तो जिसका टेम्परेचर कम होता है वो तो डेंसर की तरह बिहेव करती है, और जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है वो रेयरर की तरह बिहेव करती है। यानी लाइट रे डेंसर टू रेयरर मीडियम में जा रही है, जब लाइट रे डेंसर टू रेयरर मीडियम के अंदर जाएगी तो वो नॉर्मल से कुछ दूर चली जाएगी, ठीक है। तो नॉर्मल से कुछ दूर चली गई, इस तरीके से ये नॉर्मल से कुछ ज़्यादा दूर चली गई। अब लाइट रे दूर जाती हुई एक कंडीशन ऐसी आती है जिसमें उसके लिए जो इंसिडेंस एंगल है, इस इंसिडेंस एंगल की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो जब इंसिडेंस एंगल की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, तो ये जो लेयर हैं वो सी पर ही है, क्योंकि नॉर्मल अगर यहाँ पर हम बात करें तो ये जो ऑब्जर्वर है वो उसके जो बैंक जो है उस सी का या रिवर का उस पर खड़ा हुआ है। तो इस यहाँ से लाइट रे जो आएंगे, अगर इंसिडेंस एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है तो जो लाइट रे आएगी वो टोटली इंटरनल रिफ्लेक्टेड होगी, और वो लाइट रे जो है वो यहाँ पर ऑब्जर्वर तक पहुँचेगी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया यहाँ पर, तो लाइट रे जो है वो यहाँ पर ऑब्जर्वर के पास पहुँच गई। अब इस ऑब्जर्वर को क्या नज़र आएगा, क्या इस ऑब्जर्वर को ये जो सिप है ये यहीं नज़र आएगी क्या, बिल्कुल ही नहीं। इसको ये लगेगा कि ये जो सिप है वो एक्चुअल के अंदर यहाँ पर कहीं पर है, एक्चुअल के अंदर यहाँ पर कहीं पर है ऊपर, और वो जो सिप है वो इस तरीके से उल्टी लटकी हुई है, उल्टी लटकी हुई है। ये जो नज़र आएगा इसको,
ऑब्जर्वर को क्या नज़र आएगा कि ये जो शिप है वो एयर के अंदर है और वो भी उल्टी लटकी हुई है, तो हमें ऐसा लगेगा कि ये शिप जो है वो हवा के अंदर उड़ रही है इन्वर्ट होकर, उल्टी होकर, जो कि एक तरीके का ऑप्टिकल इल्यूशन होता है और इसे ही क्या बोला जाता है, लूमिंग बोला जाता है। तो ये दोनों ही ऑप्टिकल इल्यूशन है, एक होता है बहुत ही ज़्यादा गर्म जगह पर और दूसरा होता है बहुत ही ठंडी जगह पर, कोल्ड जहाँ पर होती है बहुत ज़्यादा या बहुत कम टेम्परेचर जहाँ पर होता है। जैसे अगर हम ऐसे कोई जगह की बात करें, जैसे रशिया की बात कर लें या फिर नॉर्थ अमेरिका की बात कर लें, तो वहाँ का टेम्परेचर जो है वो बहुत कम रहता है, तो बहुत कम रहता है, तो वहाँ पर अक्सर सी बैंक पर हम ये ऑप्टिकल इल्यूशन जो है वो देख सकते हैं। और अगर हम बात करें डेजर्ट की, तो डेजर्ट के अंदर इस तरीके से ऑप्टिकल इल्यूशन होता है। तो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर ये दो ही एग्जांपल हम लोग कवर कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम बाकी के एग्जांपल जो है वो भी कवर करेंगे। थैंक यू।